सो हाय, दिस इज अमित। आज का टॉपिक है रैंकिंग इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। तो रैंकिंग क्या होता है, ये कुछ डेफिनेशन लिखी है। तो हम सिर्फ काम की बात करते हैं पहले। इस डेफिनेशन को आप बाद में पढ़ लेना। इसका जो प्रेजेंटेशन, जो स्लाइड्स है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए पहले काम की बातें करते हैं। तो इस वीडियो से पहले, है ना, जो प्रीवियस लेक्चर था, हमने जो पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था सिमिलरिटी मेजर्स। तो सिमिलरिटी मेजर्स क्या होता था कि जब हम क्लस्टरिंग करते हैं ना, तब हमें सिमिलरिटी मेजर्स चाहिए होते हैं। कैसे, जैसे ये चार डॉक्यूमेंट्स हैं और मुझे ये एक ही क्लस्टर में रखने हैं, तो आप कैसे फाइंड करोगे कि ये सिमिलर है? तो हम इनके बीच की सिमिलरिटी फाउंड करते हैं। अगर ये सिमिलर है तो इनको हम एक क्लस्टर में बना देते हैं। क्लस्टरिंग क्या थी हमने देखा था, और उसके बाद सिमिलरिटी कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने देखा था। कोसाइन मेथड का यूज किया था, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आने वाली है। तो अभी हम क्या करते हैं, क्लस्टर बना लिया हमने, सिमिलरिटी मेजर को भी चेक कर लिया, कैसे कैलकुलेट होती है हमने देख लिया। अब हम आगे की बात करते हैं। अब देखो, ये क्लस्टर बना हुआ है और इनके बीच में ये सिमिलरिटीज भी यहाँ पर हमने फाइंड की है, उसी के बेस पे हमने क्लस्टर बनाया है। अब एक क्वेरी आती है। तो क्वेरी एक्चुअली में क्या है, ये क्वेरी मैप हो गई मान लो इस क्लस्टर पे। तो होना क्या चाहिए, आईआरएस क्या करता है, इस पूरे क्लस्टर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिट्रीव कर देगा यूजर के लिए। तो कैसे रिट्रीव करेगा, कुछ इस तरह से वो रिजल्ट रिट्रीव कर देगा। जब भी वो रिजल्ट रिट्रीव करेगा, तो यहां पर तो चार डॉक्यूमेंट है, तो आईआरएस जब भी रिट्रीव करता है, या गूगल आपने देखा भी होगा, जब भी आप सर्च करते हो ना गूगल पे, तो जो सबसे पहला लिंक पे हम क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो सबसे फर्स्ट जो लिंक है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंस है। और जैसे जैसे आप पेज के बॉटम में आओगे ना, रेलेवेंसी खत्म होती जाएगी। तो कहने का मतलब है, आईआरएस जब भी डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करेगा तो वो रैंकिंग बेस्ड पे करता है। जो सबसे पहले रैंक पर होगा उसका नंबर वन रैंक होता है, उसका मतलब है कि उसका हाईएस्ट रेलेवेंस है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये जो चार डॉक्यूमेंट थे, इसमें इसने क्या कर दिए, यहाँ पर रिट्रीव कर दिए, ये रिजल्ट इसने दे दिया। तो डॉक्यूमेंट टू है ना, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंकिंग है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वन की बारी, उसके बाद डॉक्यूमेंट फोर, फिर डॉक्यूमेंट थ्री। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रैंकिंग और ये लोवेस्ट रैंकिंग। तो इस रैंकिंग को पता करना कि पहले कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, यही कंसेप्ट है रैंकिंग का। तो रैंकिंग का कंसेप्ट कब आता है, जब क्वेरी कोई क्लस्टर से मैच हो जाती है, तो उस पूरे क्लस्टर को हमें रिट्रीव करना होता है, बट उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट में पहला नंबर किसका आएगा वो हम रैंकिंग फाइंड करते हैं। और कैसे करते हैं, उसी सिमिलरिटी मेजर का यूज करते हैं, कोसाइन मेथड का, वो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। ओके, तो रैंकिंग का मेन मतलब है कि पहला नंबर किसका, उसके बाद नंबर किसका। तो ये है रैंकिंग का कंसेप्ट। तो आइए कैसे होता है हम देख लेते हैं। तो वही फिर से मैं आपको क्या कर रहा हूं, यहां पर एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट टू, डॉक्यूमेंट थ्री, डॉक्यूमेंट फोर, ये वही क्लस्टर है यहां पर। तो अब मान लीजिए ना कि क्वेरी आई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेरी मैप हो गई क्लस्टर वन से। तो अब यहां पर क्या होता है ना, पहले हमने सिमिलरिटी फाइंड की थी डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट के बीच में, इससे पहली वीडियो में। तो उसी मेथड के थ्रू हम एक क्वेरी और एक डॉक्यूमेंट के बीच में भी सिमिलरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जो क्वेरी क्लस्टर वन से मैच हुई थी, अब उसके अंदर भी डॉक्यूमेंट है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक इस क्वेरी को हर एक डॉक्यूमेंट से क्या कर रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं सिमिलरिटी, कि ये क्वेरी इस डॉक्यूमेंट से कितनी सिमिलर है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी सिमिलरिटी है, या फिर क्वेरी के बीच में और डॉक्यूमेंट दो के बीच में कितनी सिमिलरिटी है, क्या ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। हमें ये तो पता है कि ये पूरा क्लस्टर ही इसके लिए है, पूरा सिमिलर है, बट इसके अंदर भी जो डॉक्यूमेंट है वो कितनी सिमिलर है वो मुझे चेक करना है। सेम मैं चेक करता हूँ डॉक्यूमेंट थ्री के लिए, कि ये और डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट थ्री और ये जो क्वेरी है ये कितनी सिमिलर है, वैसा ही ये क्वेरी और डॉक्यूमेंट फोर कितने सिमिलर है। तो कोसाइन मेथड का यूज करके मैंने यहाँ पर क्या निकाल लिया, सिमिलरिटी मेजर निकाल लिया, या फिर इसको हम रेलेवेंस स्कोर भी बोल सकते हैं, कि इस क्वेरी के लिए डॉक्यूमेंट वन का रेलेवेंस स्कोर कितना। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया कुछ इस तरीके से, इसको आप सिमिलरिटी मेजर या आप रेलेवेंस स्कोर भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो डॉक्यूमेंट वन और क्वेरी आपस में 60% रेलेवेंट है, यानी कि क्वेरी डॉक्यूमेंट वन के लिए 60% सही है, और डॉक्यूमेंट टू की जो रेलेवेंसी है वो ज्यादा है 70%, उसके बाद डॉक्यूमेंट थ्री की रेलेवेंसी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट फोर की। तो जब हमारे पास ये सिमिलरिटी या फिर रेलेवेंस स्कोर आ गए हैं, अब हमें कुछ नहीं करना,
जिसका ज्यादा रेलेवेंस स्कोर होगा उसी की रैंकिंग नंबर वन होगी। तो जैसे डॉक्यूमेंट टू है, इसका सबसे ज्यादा रेलेवेंस स्कोर है 70%, यानी कि ये क्वेरी के साथ में ज्यादा मैच कर रहा है। यानी कि मान लो कुछ इसमें क्वेरी में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इसमें ज्यादा बार आ रहे हैं डॉक्यूमेंट टू, या फिर डॉक्यूमेंट टू उसको ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट टू का ज्यादा रेलेवेंस स्कोर हो गया, तो ये नंबर वन रैंक पे आएगा। कैसे? वही जो हमने पहले देखा था उस तरह से कुछ। तो हाईएस्ट रैंकिंग क्या होगा डॉक्यूमेंट टू का? तो डॉक्यूमेंट टू क्या रहेगा, सबसे फर्स्ट नंबर रैंक पर आ जाएगा। तो ये था एक मेन कंसेप्ट रैंकिंग का, बट अब इसमें भी कुछ और अप्रोचेस है वो जो हमें पढ़नी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत जरूरी है। तो इससे पहले हमने एक चेक कर लेते हैं, एक सिंपल सा एक प्रोसेस है कि क्वेरी में जो भी हमारे सिमिलरिटी मेजर्स या फिर रैंकिंग होती है, रैंकिंग का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले क्वेरी अंडरस्टैंडिंग है कि यूजर क्वेरी करेगा उसको सिस्टम प्रोसेस करेगा, उसके बाद उस क्वेरी को डॉक्यूमेंट के साथ में मैच किया जाता है, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट की स्कोरिंग की जाती है, जितने स्कोरिंग होगी उसके हिसाब से रैंकिंग एल्गोरिथम उसको रैंक कर देगा। ये एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेलिटी था, मैंने स्लाइड डाल दिया, आप पढ़ लेना, आपके एग्जाम के लिए अच्छा है ये। ओके, अब जो मेन अप्रोच है वो हम पढ़ते हैं। रैंकिंग की ना दो अप्रोच होती है, एक है कोर्स ग्रेन्ड और एक है फाइन ग्रेन्ड। इसका मतलब होता है जनरल एनालिसिस और इसका मतलब होता है डिटेल्ड एनालिसिस। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं, आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, इस वीडियो के खत्म होते तक आपको सारा समझ में आ जाएगा। पहले आप एक पिक्चर को देखिए, तो ये पिक्चर क्या कह रही है, देखो जो ये कोर्स ग्रेन्ड फाइन ग्रेन्ड ये ना कोई कंप्यूटर साइंस के वर्ड नहीं है, ये कोई मटेरियल साइंस के वर्ड है, यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर लिखे गए हैं। तो ये पिक्चर है कोर्स ग्रेन्ड की और ये है फाइन ग्रेन्ड की। ग्रेन का मतलब होता है दाना, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, ये जो कोर्स है ना इसका मतलब आप रफली भी लगा सकते हो, रफ, और फाइन का मतलब है डिटेल्ड, बिल्कुल स्मूथ। तो आपको इसमें से रफ पिक्चर कौन सी लग रही है, कौन सी रफ डिटेल है, कौन सा ग्रेन रफ है? तो ये रफ है और ये बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल डिटेल्ड है। तो यहां पर रैंकिंग में क्या मतलब है रफली का और इसका फाइन डिटेल का रैंकिंग से क्या मतलब है, तो हम देखते हैं। तो जो कोर्स ग्रेन रैंकिंग होती है ना वो क्या करती है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेरी और डॉक्यूमेंट के बीच में चेक कर रहे हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट इस क्वेरी के साथ में कोई रेलिवेंट है कि नहीं है। अगर रेलिवेंट है तो उसको डॉक्यूमेंट को हम रिट्रीव कर देंगे, रेलिवेंट नहीं है तो इसको रिट्रीव नहीं करेंगे, बस इतने से हमें जाननी है। तो जो कोर्स ग्रेन रहता है ना उसमें क्या होता है, एक जनरल आइडिया लेता है कि मुझे ये बता दो कि क्या ये क्वेरी इस डॉक्यूमेंट के साथ में रेलेवेंट है कि नहीं है। वो कहेगा सर हाँ रेलेवेंट तो है बट इसमें कुछ, वो कहेगा कि बट वट मुझे मत बताओ, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये रेलेवेंट है कि नहीं, एक जनरल आइडिया मुझे दे दो। वो कहेगा कि सर हाँ सर रेलेवेंट है, रेलेवेंट है तो आप उसको रिट्रीव कर दो। या फिर आप कह सकते हो कि ये हाई क्वालिटी है, हाई क्वालिटी का मतलब वही है कि क्या इसका स्कोर हाई है या फिर लो है। तो कोर्स ग्रेन का मतलब है कि इसको सिर्फ रफली आइडिया चाहिए होता है, मुझे कोई ज्यादा कंप्यूटेशन कोई एल्गोरिदम में नहीं घुसना है, सिर्फ मुझे इतना बता दे कि क्या ये रेलेवेंट है कि नहीं है ताकि इसको मैं रिट्रीव करूं। इससे टाइम भी कम बचता है ना, टाइम ज्यादा इस पर स्पेंड नहीं होता, बहुत ही कम टाइम में हम इसको कर लेते हैं। ओके, बट जो फाइन ग्रेन की बात आती है, फाइन ग्रेन मतलब डिटेल्ड है। तो यहां पर ना सिर्फ इतना नहीं पूछते कि हमें रेलेवेंट है कि नहीं है, नहीं रेलेवेंट है तो कितना स्कोर है तेरा, उसके साथ में और भी कुछ चीजें होती है जैसे कि एग्जैक्ट मैच ऑफ क्वेरी टर्म्स। ये क्या करता है ना, ये जो कोर्स ग्रेन्ड है हो सकता है कि एग्जैक्ट मैच ना करे, एक दो वर्ड भी मिल गया ना क्वेरी में, जैसे इसका कोई तीन वर्ड की क्वेरी थी, कोई एक वर्ड भी मिल गया डॉक्यूमेंट में तो उसको रिट्रीव कर देगा, तो इतना ये रफली काम करता है। बट फाइन ग्रेन नहीं करेगा, वो एग्जैक्ट मैच करके देखता है, जो सबसे सुटेबल डॉक्यूमेंट होगा ना उसी को ही रैंकिंग करेगा पहले, और ये ऐसा नहीं करता है। ओके, तो ये क्या है, ये एक रफली आइडिया है बट फास्ट है, ये रफली आइडिया नहीं है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही डिटेल्ड ये एक अप्रोच होती है। तो यहां पर क्या करेगा, वो एग्जैक्ट क्वेरी के वर्ड से डॉक्यूमेंट के वर्ड से मैच करेगा भाई, उसके बाद सिमेंटिक रेलेवेंस भी चेक करेगा, यूजर इंटरेक्शन डेटा क्या होता है कि कोई हिस्ट्री में यूजर क्या सर्च कर रहा है उसको भी ये एसिमिलेट करेगा अपने आप में ताकि रिजल्ट अच्छा बना सकूं। पर्सनलाइज्ड फैक्टर पे भी काम करेगा, जैसे यूट्यूब पे हम प्रोफाइल बना लेते हैं ना तो उसको एल्गोरिदम को हमारा इंटरेस्ट पता लग जाता है, तो वो उस इंटरेस्ट को भी एसिमिलेट कर लेता है अपने रैंकिंग करने के लिए। तो मतलब कहने का मतलब है बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा एडवांस एल्गोरिदम का यूज होता है फाइन ग्रेन रैंकिंग। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, ये स्लाइड भी आप पढ़ लेना, मैंने आपके लिए डाली हुई स्लाइड एग्जाम के लिए, बस वही है जो मैंने बताया था और कुछ नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि ना एक क्वेरी है, क्वेरी में क्या है, इजी वेजिटेरियन रेसिपी, ये आपने पूछा है और हमें रैंकिंग करनी है। वही हमारे पास दो अप्रोच है, कोर्स ग्रेन रैंकिंग और फाइन ग्रेन। कोर्स ग्रेन क्या कहेगा, मैंने कहा था इट्स अ रफली आइडिया, तो रफली क्या कहेगा,
वो सिर्फ किन बातों पे ध्यान देगा, जो जो सिग्निफिकेंट वर्ड है, जैसे रेसिपी है, वेजिटेरियन है, ये कोई वर्ड क्या है, ये कोई सिग्निफिकेंट वर्ड नहीं है, इजी डिफिकल्ट हमें कोई मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे, हम रेसिपी देंगे और वेजिटेरियन रेसिपी देंगे। इसका जो मेन गोल है ना, वो कहता है कि जो इरेलीवेंट है ना उसको नहीं देना, बाकी कोई भी चाहे कोई डॉक्यूमेंट में रेसिपी आ जाए या फिर कोई डॉक्यूमेंट में वेजिटेरियन रेसिपी आ जाए वो रिट्रीव कर दो, इजी है, हार्ड है, बिगिनर है, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस जल्दी से आप काम करो ये वेजिटेरियन रेसिपी वाला। और उसका मेन गोल क्या है कि बस इरेलीवेंट रिजल्ट नहीं आने चाहिए, जैसे कि वो फोकस करेगा कि कोई नॉन वेज रेसिपी ना आए या फिर कोई अनरिलेटेड टॉपिक ना, जैसे कि कार मेंटेनेंस, ऐसे टॉपिक ना रिट्रीव कर दूं, बट ये भी नहीं कि बिल्कुल मैं डिटेल्ड आपको चेक कर रहा हूं, नहीं, बस मेरा इतना चेक करने का मतलब है कि वहां पर कोई नॉन या कोई अनरिलेटेड टॉपिक नहीं होना चाहिए, बाकी सब आप रिट्रीव कर दो। बट अगर वही आप फाइन ग्रेन रैंकिंग की बात करते हो तो वहां पर क्या होगा, इसको भी कंसिडर किया जाएगा, इसको भी कंसिडर किया जाएगा, इसको भी कंसिडर किया जाएगा, और इनका जो सिमेंटिक मीनिंग है, यानी कि जैसे कि इजी के बाद ही वेजिटेरियन आ रहा है, वेजिटेरियन के बाद ही रेसिपी आ रहा है, और इजी को भी और क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे बिगनर्स हो सकता है, तो इसके सिनोनिम्स भी यूज करेगा, बहुत एडवांस एल्गोरिदम लगाएगा, कंप्यूटेशन लगाएगा, टाइम लगाएगा, और बहुत ही फाइन रिजल्ट वो लेकर आता है। तो ये दोनों ही रैंकिंग की अप्रोच है। आई होप आपको रैंकिंग कंसेप्ट इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में समझ में आया होगा। अगर सच में समझ में आया है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।